हेलो फ्रेंड्स, गार्डन ऑफ ड्रीम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जुलाई मंथ में अपने टेरेस का टूर करवाना चाहती हूं और ये दिखाती हूं कि क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जो चीज़ अगर नहीं भी होती है तो हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, बस कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें टाइम देने की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए और खुशी मन से गार्डनिंग को करते रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये मेरी लौकी की बेल, जिसने मुझे अभी तक 3 या 4 लौकियाँ ही दी हैं। फ्लावर्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। फिर भी कोशिश करते रहना है। मैंने देखिए इसमें नई पौध लगा दी है मानसून की और उसको ग्रो करके देखेंगे कि क्या फल मिलता है। देखिए फ्लावर्स तो आ रहे हैं। आगे बढ़ने पर करेला, ये मेरी करेले की बेल है जो कि बहुत अच्छी चल रही है। इसने मुझे भरपूर करेला दिया है, हफ्ते में 10 या 12 करेले आ ही जाते हैं और अभी भी देखिए इसमें लगे हुए हैं जो मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए इधर भी कम से कम इसमें 8-10 करेले जो हैं लगे हुए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो बड़े करेले तो मैं हार्वेस्ट कर ही लूँगी। लेकिन अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत हमारी सफल होती है। देखिए नीचे भी लगा हुआ है एक करेला, तो इस तरीके से ये दूसरा करेला, काफ़ी सारे करेले आए हुए हैं। अब आगे बढ़ने पर मेरी तुरई की बेल, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था और उससे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ओले और बारिश के कारण ये कुछ ख़राब हो गई थी, लेकिन अब बहुत अच्छी चल रही है और इसमें तुरई अक्सर आ ही जाती हैं। ये देखिए ये तुरई आई हुई है, ये है, इसको मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। और एक तुरई इधर भी है, कोशिश करती हूँ दिखाने की, उम्मीद है दिख रही होगी। ये देखिए फ्लावरिंग इसमें बहुत हो रही है अभी, और भी उम्मीद है कि इसमें तुरई अभी आएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमें अपना काम करते रहना है और परिणाम की चिंता तो नहीं करनी चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे तो फल अपने आप हमें मिलेगा। ये मेरा तुलसी का प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। शनि का पौधा देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, छोटा सा लाई थी मैं ये। और इधर नीचे मनी प्लांट और केला जो अभी तक बचा कर रखे हुए हैं, देखें कब तक चलते हैं। और कुछ चीज़ें मैंने नई ऐड की हैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये प्लांट मैं लाई थी अपराजिता का, अभी परसों ही लाई थी। और कहते हैं ये बहुत शुभ होता है, शंख पुष्पी भी इसको कहते हैं। और इसमें इस कलर के फ्लावर आते हैं पर्पल, और वाइट वाला भी मैंने लगाया हुआ है, वो मैंने सीड से लगाया हुआ है। और अभी दिखाती हूँ आपको दूसरी तरफ। एक ये मैंने नया ऐड किया है, ये है मधुमालती का, शायद बेल का रूप लेगी ये फर्न। ये तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और ये मैंने सीड से लगाए हैं, ये देखिए कॉक्सकॉम, और अच्छे ग्रो कर गए हैं। अजवाइन का भी मैंने छोटा सा प्लांट लिया था, उससे ही ग्रो कर रहा है ये। ये भी नया ऐड किया है। और बीच बीच में मैंने मैक्सिकन पिटूनिया के छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं जो कि कटिंग से लगाए हुए हैं, एस्पागेरस फर्न। और ये देखिए तुलसी का मेरे किसी प्लांट में छोटा सा निकल आया था और मैंने इसको अलग गमले में शिफ्ट कर दिया है, अब बड़ा हो गया है ये। ये नागचंपा, जिसमें ऊपर देखिए कितनी सारी बड्स बन रही हैं, अब इसमें गुच्छे में फूल आएंगे वाइट कलर के। ये देखिए बड्स बन रही हैं और गुच्छे में फूल आएंगे। ये चेन प्लांट, एक कॉमन सा हाउस प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है देखने में।
और इधर मनी प्लांट, और इस तरफ ये कोलियस ग्रीन कलर का। अभी मैंने कोलियस के और भी लिए हैं प्लांट, जो कि मैंने नीचे रखे हुए हैं अपनी बालकनी में। वो कलरफुल प्लांट हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और ये देखिए बोट लिली, ये भी कॉमन सा हाउस प्लांट है जो आप घर में लगा सकते हैं। नीचे ये स्वीट पोटैटो वाइन, और कुछ कटिंग से मैंने लगाए हुए हैं ये नीचे देखिए। ये छोटे छोटे निकल आए थे तो मैंने इनको अलग अलग शिफ्ट कर दिया है। ये जेड का प्लांट, ये भी कटिंग से लगाया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने हल्दी और अदरक के प्लांट लगाए थे पिछले मंथ, बहुत छोटे छोटे थे, और आज देखिए आज ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये हल्दी का है, इधर ये देखिए इसमें कुछ हल्दी है और कुछ अदरक। तो कम से कम कुल मिलाकर के 5-6 प्लांट ये हैं। और बीच में देखिए तुलसी का भी निकल रहा है, ये इसमें तुलसी का प्लांट भी आ रहा है। और इधर भी मैंने सनफ्लावर के सीड डाल दिए थे। एक प्लांट ये है देखो, अभी तो सीजन ऑफ हो रहा है, चलेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखिए कोचिया, कोचिया भी सही से ग्रो हो रहा है, ये भी सीजनल है, गर्मियों तक ही रहेगा। और इधर ये डायंथस विंटर का है जो अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है। पर्पल हर्ट जो कि काफ़ी फैल जाती है, और मैंने इसको कई जगह लगाया हुआ है, नीचे भी और टेरेस पर भी। डायंथस, इसमें देखिए फ्लावर आ रहे हैं। ये फिर पर्पल हर्ट, और ये मैंने कई जगह लगाया है, इसका मेरा बड़ा मन था लगाने का। इसको वांडरिंग जीव कहते हैं, तो इसको मैंने बास्केट में भी लगाया है, हैंगिंग बास्केट में। जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इधर ये विंका सदाबहार देसी वाला, जो कि काफ़ी औषधीय प्लांट है और बहुत गुणों से भरपूर है। इसमें मैंने फिर पर्पल हर्ट लगाया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये मेरी बीन्स की बेल है, जो कि कोई मुझे मतलब इसमें कुछ फल नहीं प्राप्त हो रहा है। बढ़ती तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और इधर मैंने ये और लौकी और तुरई के सीडलिंग कर दी है, इनको अब मैं बड़े प्लांट में, बड़े गमलों में लगा दूंगी। ये भी स्वीट पोटैटो की वाइन लगा दी थी। और इधर है मेरी भिंडी के प्लांट, देखिए भिंडी भी आ रही हैं इसमें, भिंडी भी अच्छी आ रही हैं, आ ही जाती हैं हर प्लांट में, 5-6, 5-6, 7 आ ही जाती हैं। ये देखिए इसमें भी कम से कम 6-7 भिंडियाँ लगी हुई हैं, उम्मीद है दिख रही होंगी। और यहाँ मेरा ये पुदीने का, छोटे छोटे पुदीना भी मैंने कल ही हार्वेस्ट किया है काफ़ी सारा, और अभी भी इसमें है ये। और देखिए इसमें भी मेरा तुलसी का प्लांट ये निकल रहा है, इसको भी मैं किसी अलग गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये रहा मेरा टेरेस का एक तरफ का टूर। चलिए चलते हैं टेरेस के दूसरी तरफ। इस समय धूप तो दोस्तों बहुत तेज हो रही है, 9 बजे भी इतनी धूप आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मेरे तुलसी के प्लांट हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। ये एलमंडा का बिल्कुल सूख गया था विंटर में, और अब हरा हो गया है, देखिए कब तक इसमें फ्लावरिंग होती है। इधर मेरा गुलाब का, ये 4 प्लांट लगे हुए हैं, इसमें फ्लावर कम होता है लेकिन देखिए कभी कभी आ जाता है। इसमें बड बन रही है, ये 2 बड्स बन रही हैं। और ये मेरा पार्सलेन और पार्चुलोका का सेक्शन, यहाँ पर मैंने ये सब लगाए हुए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं फ्लावर इसके, येलो कलर, ऑरेंज, वाइट कलर, और पार्सलेन में ये ऑरेंज कलर बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। आपको देख ही रहे होंगे इस समय इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और इधर नीचे भी देखिए पिंक कलर पार्चुलोका में, और ये मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई हैं सैंड में। ये देखिए स्नेक प्लांट की लगाई हुई है, और इधर भी लगाई हुई है काफ़ी सारी, कोलियस की कटिंग है, नाग चंपा की कटिंग है। तो इस तरीके से कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में अच्छी चल जाती हैं कटिंग, सक्सेसफुल हो जाती हैं। ये मैंने खीरे के लगाए थे ग्रो बैग में, अब अच्छे बड़े हो रहे हैं, इनको अब मैं बांध दूँगी, सपोर्ट दूँगी। इधर ये देखिए भिंडी के और प्लांट, भिंडी का फ्लावर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए ये भिंडी का फ्लावर ऐसा होता है,
इसमें भी भिंडी लग रही हैं, ये देखिए, ये इधर, और दूसरी तरफ देखिए फ्लावर इसमें भी आ रहा है भिंडी। तो इस तरीके से भिंडी भी ठीक चल रही हैं। और ये प्लांट भी मैंने नया ऐड किया है, इसमें देखिए मैंने कटिंग लगाई हुई है वांडरिंग जीव और पोर्चुला का। और ये मेरा गुड़हल का, इसने तो बहुत सारे फ्लावर आए हैं इन दिनों में, काफ़ी बर्ड्स हैं। तो देखिए फ्लावर खिल भी रहा है, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और ये जो मैंने सनफ्लावर के दो प्लांट लगाए थे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी इनका जो है सीज़न ऑफ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो बर्ड्स बनी हुई थी वो फ्लावर खिल रहे हैं। ये देखिए इसमें तीन फ्लावर आए हुए हैं, साइज चाहे थोड़ा इनका छोटा हो जाएगा लेकिन खिल रहे हैं अभी। और एक इधर है ये सनफ्लावर का, इसमें भी एक फ्लावर आया हुआ है, और दूसरा खिल रहा है। और बाकी ये जो हैं सूख चुके हैं, अब इनसे मैं सीड बनाऊंगी, सीड कलेक्ट करूंगी इसमें से, जब ये बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इसमें काफ़ी सारे सीड बन जाते हैं। ये फिर खीरे का, खीरे की बेल लगाई हुई है ये देखिए, इसको भी मैं सपोर्ट दूंगी। और इधर ये चाइनीज गुआवा, अब ये काफ़ी हरा हो गया है देखिए, अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये मेरा ऑरेंज का मैंने लिया था, तो इसमें देखिए ऑरेंज अब आने लगी हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है, हो सकता है सक्सेस हो जाएगा ये। अब बीन्स नो रिजल्ट, इसमें मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। और ये मेरा बोगनविलिया का, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये देखिए इस समय इसमें बहुत ही फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, पिंक और वाइट। इसमें अभी नहीं आ रही है, इसमें भी पिंक, लाइट पिंक और वाइट है। और ये इसमें इस तरीके का है, ये इसका सूख चुका है, ये मैं हटा दूंगी। तो ये मेरा बोगनविलिया का है जो कि सही चल रहा है। अब इधर चलते हैं, ये देखिए ये मैंने अपराजिता के सीड से लगाए थे, ये और ये, तो ये दोनों में वाइट फ्लावर आएंगे। जब फ्लावर आएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और नीचे फिर मैंने ये लगाया हुआ है पर्सले, ये चिली का। तो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा बहुत मैंने लगाया हुआ है और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से चलें, और अपना काम तो कोशिश करते रहना है और फल भी मिलता ही है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मेरे चैनल को, गार्डन ऑफ ड्रीम्स को, ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।